नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर वन न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें। फिर से रिव्यू होगा नया वेतनमान। राइडर के कारण 6 सितंबर को हुआ था संशोधन। 3 जनवरी से पहले नियुक्त कर्मचारियों को दिया गया था लाभ। जयराम सरकार के दौरान 3 जनवरी 2022 को लागू हुए नए वेतन आयोग में हुआ संशोधन भी नई सरकार की समीक्षा के दायरे में आ गया है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद नए मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 2022 के बाद का हर फैसला रिव्यू करने के आदेश दिए हैं। यही वजह है कि 6 सितंबर 2022 को हुआ पे कमीशन के पे रिवीजन रूल्स में पहला संशोधन समीक्षा के दायरे में आ गया है। इस संशोधन के जरिए राज्य सरकार ने कुल 89 कैटेगरी को राइडर का लाभ देने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसके मुताबिक पे फिक्सेशन के लिए 3 जनवरी 2022 तक सरकारी विभागों में नियुक्त कर्मचारी हायर ग्रेड पे के पात्र हो गए थे। हालांकि इन्हें 2 साल रेगुलर सेवा की शर्तों को पूरा करना था। अब हुआ यूं कि जिनके नियमित सेवाकाल के 2 साल 3 जनवरी 2022 के बाद पूरे हुए उन्हें तो राइडर का लाभ दिया गया, लेकिन 3 जनवरी 2022 से पहले वालों को ये लाभ नहीं मिला। 89 कर्मचारी कैटेगरी में क्लर्क, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, कई वर्गों के शिक्षक समेत स्वास्थ्य, वन, पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज जैसे बड़े विभागों के कर्मचारी भी शामिल थे। हालांकि इस आदेश के बाद पे फिक्सेशन में कुछ और मामले भी सामने आ, जिन्हें चुनाव से पहले पूरी तरह से सेटल नहीं किया गया था। हालांकि इन कैटेगरी को विकल्प नए सिरे से चुनने का अवसर नहीं दिया गया। इसके बाद जयराम सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हाई ग्रेड पे देने के लिए फाइल अलग से चलाई थी। आखिरी कैबिनेट में भी इस पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं हो पाया था। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 2 साल की रेगुलर सेवा के बाद हाई ग्रेड पे मिलना था, और यह आदेश भी इसलिए करना पड़ा था क्योंकि 6 सितंबर की नोटिफिकेशन में सरकारी विभागों में नियुक्त कर्मचारियों को लाभ दिया जाना था। लेकिन इस फाइल पर भी फैसला अब नई सरकार लेगी। वित्त विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि नई सरकार की कैबिनेट बनने के बाद ये फाइलें एक एक कर अनुमति के लिए भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग पर ली है प्रेजेंटेशन। नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग पर भी प्रेजेंटेशन ले ली है। करीब 2 घंटे चली इस प्रेजेंटेशन में राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन उन्होंने किया है। हालांकि इस प्रेजेंटेशन के दौरान ओल्ड पेंशन से संबंधित स्लाइड को सीएम ने नहीं देखा है, और यह कहा है कि इस पर अलग से बैठक करेंगे। वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना दिल्ली में हैं और राज्य की वित्तीय स्थिति पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहे हैं। पहले कैबिनेट में ओल्ड पेंशन देने के सबसे बड़े फैसले को लेकर भी बातचीत हो रही है, लेकिन यह फैसला सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर होगा, ऐसा अभी नहीं लग रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस पर गंभीर है और जल्द इस पर फैसला संभव है।